पैसों का बंदोबस्त तो होने दे। क्या मेरी बच्ची की किस्मत ही मेरी जैसी होगी? वो मेरी बेटी नहीं है, आई एम सॉरी। बीवी है वो तुम्हारी बेटा? वो अब मेरी बीवी नहीं है। बानो आंटी ईमान बेटा तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? बानो आंटी मुझे बहुत तकलीफ हो रही। अच्छा आओ अंदर आओ। शाबाश। आराम से। मेरा ख्याल है मैं अस्पताल चलना चाहिए। हो रही है। मगर क्या बेटा? आंटी पैसों का बंदोबस्त तो होने दे। मैंने मैडम सनम को फोन किया था लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा उनसे, शायद वो मुल्क से बाहर गई हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो, अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे तो मेरे पास भी आंटी हैं। हाँ मेरे पास ना एक चेन है, वो आप कल भेज दीजिएगा, ठीक है? वो जो तुम्हें हारिब ने दी थी बेटा, वो तो तुम्हारे शौहर की निशानी है। शौहर? आंटी जब शौहर ही नहीं रहा तो उसकी निशानी कैसी है? आप प्लीज उसे कल भेज दीजिएगा। मैं उसे पहनती हूँ ना, मुझे वो गले में फंदे की तरह महसूस होती है। उसे घर भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा तुम अपना ख्याल करो, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करती हूँ। क्या मेरी बच्ची की किस्मत भी मेरी जैसी होगी? ना बाप का साया, ना कोई सहारा। तो फिर क्या नाम रखे इस नन्ही परी का? हाया। बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। मैंने नहीं सोचा ये नाम बानो आंटी। ये नाम हारिब को बहुत पसंद था। अच्छा किया बेटा। हया बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। एक बात कहूँ ईमान? जी। अब जब नाम तुमने हारिब की पसंद का रख लिया है तो एक बार अपनी अना को एक तरफ करो और उसे फोन करके इतला दे दो कि उसकी बेटी हुई है। नहीं मानू आंटी, मैं उन्हें क्यों इतला दूं? क्या वो ये बात नहीं जानते? उन्हें कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उन्होंने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। तो बेटा मेरे नंबर से फोन कर लो। नहीं आंटी, मैं उन्हें कोई फोन नहीं करूंगी। देखो बेटा एक बार मेरे कहने पर हारिब को इतला दे दो ताकि कल को कोई पछतावा ना रहे कि तुमने उससे कोई राबता नहीं किया था। हो सकता है ये खबर सुनकर उसका दिल मोहन हो जाए और वो वापस लौट आए। औलाद बहुत बड़ी कमजोरी होती है इंसान की। वो यकीनन बेटी की पैदाइश का सुन के जरूर आएगा ईमान। मेरे कहने पर एक बार बेटा एक बार कॉल कर लो।
हेलो हेलो हारी बेटा, कैसे हो? मैं बानो आंटी बात कर रही हूँ। जी आंटी बोलिए, कैसे फोन किया आप? बेटा तुमने तो पलटकर ईमान का पूछा ही नहीं कि वो किस हाल में। आखिर ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में कि तुमने इसे रब्ता ही खत्म कर दिया? बीवी है वो तुम्हारी बेटा? वो अब मेरी बीवी नहीं है। तुम ऐसे ईमान को खुद से अलग नहीं कर सकते हारिब। आंटी नहायत अदब और माजरत के साथ आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा, और अगर ये फोन आपसे ईमान ने करवाया है ना तो आप उसे बता दें कि मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम बेशक मुझसे बात ना करो, लेकिन इतना सुन लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात खत्म कर दो बेटा। वो मेरी बेटी नहीं है। I'm sorry. बस हो गई तसल्ली आपको? मैं उम्मीद करती हूँ आंटी कि आइंदा आप इन्हें कॉल करके अपने और मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे। ईमान, अब तो मुझसे मार खा कर ही बाज आओगी। बेटा हर वक्त की नाउम्मीदी रोना धोना अल्लाह को पसंद नहीं है। मानो आंटी मैं क्या करूं? मैं जब भी अपने हालात और हया को देखती हूँ तो तुम्हारा कमजोर पड़ जाती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन हालात से गुजरूंगी। मुझे हालत ने किस मुश्किल में डाल दिया मानो आंटी। तुम जैसी हुनरमंद और मजबूत लड़की के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हैरत हो रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, बस तुम दो चार दिन आराम करके अपनी रूटीन की जिंदगी और जॉब की तरफ वापस आओ। हया को मैं संभाल लिया करूंगी, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। मुझे कभी कभी क्या लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए आपको फरिश्ते के रूप में भेजा। बड़ी भी बिल्कुल ठीक कहती थी, जब हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगा लेते हैं तो वो इंसान को अपने होने का एहसास जरूर दिलाता है और उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम खुद बहुत मासूम और अच्छी हो बेटा, ये सब वक्ती आजमाइश है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। सुमामी चलो उठो, शाबाश आया का दूध गर्म करो, उठो शाबाश आओ। आंटी मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बेटा। ये मेरी शादी की रिंग है, इसको बेचना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरी मदद करो इस चीज को बेचना। बेटा अपनी शादी की निशानी क्यों बेच रही हो? अगर जरूरत है तो मुझसे ले लो। नहीं नहीं बानो आंटी, आप बस इसको प्लीज सेल करवाने में मदद करवा दीजिए, प्लीज आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ओके मर्जी है तुम्हारी ईमान। थैंक यू बानो।